चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज के इस वीडियो में मेरे पास है बोट रॉकर्स 330 ANC, एक नेकबैंड स्टाइल का ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन जो कि अमेजोन पे, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 1800 रुपीज में लिस्टेड है। इस प्राइस पॉइंट पे ये नेकबैंड कैसा है, क्या अच्छाई क्या बुराई लगा हमको पिछले चार दिनों से यूज करते, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस नेकबैंड में क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्या कंट्रोल्स है, वो सब कुछ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इस नेकबैंड के साथ जो है आपको डुअल पेयरिंग का फीचर मिलता है, मतलब आप एक साथ दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका दो स्मार्टफोन हो, एक लैपटॉप या एक स्मार्टफोन, तो वो किस तरीके से करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बोट रॉकर्स 330 ANC के साथ आपको बॉक्स में एक नेकबैंड मिल जाता है, एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है, यूजर मैनुअल और कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स मिल जाता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है। अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस नेकबैंड के कुछ हाइलाइटेड फीचर्स का, तो इसमें आपको एक क्रिस्टल बायोनिक साउंड का मोड मिल जाता है और इसका कैसा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। इसको आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ता है मल्टी फंक्शन बटन के थ्रू। इसके अलावा इसमें आपको एक्टिव नॉइज मिलता है अप टू 25 डेसिबल तक, मतलब कि अगर आप नेकबैंड को ऑन करके ईयरफोन्स को अपने कान में लगा रखे हैं, कोई भी साउंड जो है उसमें प्ले नहीं हो रहा है, तो 3 नंबर पे अगर आपका फैन चल रहा है ना, तो उसके नॉइज को ये कैंसिल आउट कर देगा। और इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को इनेबल करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने के लिए मिलता है और इसका इफेक्ट जो है ना, काफी क्विकली ये पेयर हो जाता है आपके फोन से, मतलब कि जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे ना, लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से ये बहुत ही क्विकली पेयर हो जाता है। मैग्नेटिक बर्ड्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, बट ये मैग्नेटिक बर्ड्स का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैग्नेटिक बर्ड्स के थ्रू कोई भी फंक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब कि पेयरिंग अनपेयरिंग का या फिर म्यूजिक प्ले पॉज का, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली मिलना चाहिए था, काफी हैंडी फीचर होता है वो, मतलब कि आपको बटन्स के थ्रू इसको मैनुअली पावर ऑन ऑफ करना पड़ता है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग में आप 10 मिनट तक इसको चार्ज करते हैं तो 5 आवर्स का प्लेबैक जो है वो आप एंजॉय कर पाएंगे। एंड इसके टोटल 220 mAh बैटरी को फुल चार्ज करने में आपको अराउंड 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 24 आवर्स का प्ले टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे जो आपको दो फीचर्स मिलता है ना, क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड और ANC का मोड, अगर आप उन दोनों ही फीचर्स को यूज नहीं करते हैं तो आप 24 आवर्स के अराउंड का प्लेबैक टाइम जो है वो ले सकते हैं, बट 24 आवर का प्ले टाइम जो है ना वो आप पावर सेवर मोड या नॉर्मल मोड में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मोड या पावर सेवर मोड एक ही है, जिसमें आप क्रिस्टल बायोनिक साउंड और ANC इन दोनों ही मोड को यूज नहीं कर रहे होंगे, तभी आपको 24 आवर्स के अराउंड का प्ले टाइम मिलेगा। अगर आप इन दोनों ही मोड को यूज करते हैं तो आपको 15 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मेरे पास ये जो बोट रॉकर्स 330 ANC है, ये ओशिनिक ब्लू कलर में है, इसका एक रेड एंड ब्लैक कलर वाला कॉम्बिनेशन भी आता है, आप वो भी देख सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी का, तो काफी फ्लेक्सिबल सा आपको सिलिकन मटेरियल नेकबैंड पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोनों कैप्सूल जो है वो मेटल बिल्ड में आपको देखने के लिए मिलता है और इधर बोट का ब्रांडिंग है। अगर हम बटन्स का बात करें तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड ANC के लिए बटन है, जो कि काफी टैक्टाइल हमको फील हुआ। इसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम माइनस बटन मिलता है, वॉल्यूम प्लस बटन मिलता है, एक मल्टीफंक्शन बटन है जिससे आप मैक्सिमम जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है इसके 220 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे डस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक कैप भी मिल जाता है। वायर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रबर वायर देखने के लिए मिलता है। ईयर प्लग्स में आपको मेटल बिल्ड देखने के लिए मिलेगा, बट इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो काफी वीक है। इसके अलावा ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको दिख रहा है ईयर प्लग में, इसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट फील जो है वो देने का कोशिश किया गया है। बाकी बिल्ड जो है वो 1800 के प्राइस पॉइंट पे हमको ओके लगा। अब बोट रॉकर्स 330 ANC का कुछ कंट्रोल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको टर्न ऑन करना है, तो यहाँ पे आपको जो मल्टीफंक्शन बटन देखने के लिए मिलता है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है आपको 3 सेकंड्स तक। उसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस रेड लाइट दिखेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चल जाएगा, जिसमें रेड एंड ब्लू लाइट जो है ना कंटिन्यूअस यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप ईयर प्लग्स को अपने कान में लगा के रखें तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट भी सुनाई दे देगा, और उसके बाद जो है ना आपको अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको अवेलेबल डिवाइसेज में जो है ना बोट रॉकर्स 330 ANC जो है वो शो करने लगेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकर्स 330 ANC शो कर रहा है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे और एक पेयरिंग का पॉपअप देखने के लिए मिलेगा, पेयर के ऊपर टैप करेंगे एंड ये जो बोट रॉकर्स 330 ANC है ये मेरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे कॉल्स और ऑडियो के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलता है, डिस्कनेक्ट और अनपेयर का ऑप्शन मिलता है। अब अगर आपको इस नेकबैंड को ऑफ करना है तो इसी मल्टीफंक्शन बटन को जो है ना आपको 5 सेकंड तक प्रेजेंट होल्ड करके रखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको 5 सेकंड तक प्रेजेंट होल्ड करके रखते हैं एंड एक कंटिन्यूस रेड लाइट के साथ ये ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे हम इस नेकबैंड को टर्न ऑन करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कितना क्विकली आपके लास्ट कनेक्टेड स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीफंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं फॉर 3 सेकंड्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑन हो चुका है एंड ये इंस्टेंटली जो है ना मेरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गया। हम यहाँ पे ये अनकट रिकॉर्ड किए थे और आप देख पाए होंगे कितना क्विकली ये कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इस नेकबैंड के म्यूजिक कंट्रोल का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा है। अगर आपको प्ले पॉज करना है तो आप इसी मल्टी फंक्शन बटन को जस्ट प्रेस करेंगे, आपका म्यूजिक पॉज हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे म्यूजिक प्ले होने लगेगा। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो वॉल्यूम प्लस बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे एंड आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। फिर से अगर हम वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप म्यूजिक को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्रीवियस ट्रैक पे भी जा पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस नेकबैंड के कॉल कंट्रोल का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कनेक्टेड स्मार्टफोन पे एक कॉल आ रहा है और यहाँ पे जो आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है जस्ट इसको सिंगल प्रेस करके जो है ना आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, फिर सिंगल प्रेस करके आप कॉल को कट कर सकते हैं एंड कॉल रिजेक्ट करने के लिए इसी मल्टी फंक्शन बटन को आपको डबल प्रेस करना है एंड आप कॉल रिजेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप इस नेकबैंड को रीसेट करना चाहते हैं मतलब कि उस कंडीशन में लाना चाहते हैं जिस कंडीशन से आप इसको बॉक्स से निकाले थे या फिर इसका जो भी पेयर डिवाइसेस का लिस्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन को जो है ना प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा फॉर 5 सेकंड। बट मेरे नेकबैंड में हम ये ट्राई करके देखें, मेरे नेकबैंड में ये रीसेट होने वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये नेकबैंड परचेज करते हैं ना तो आप चेक कर लीजिएगा कि वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन को होल्ड करके रखने से 5 सेकंड्स तक आपका नेकबैंड रीसेट होता है या नहीं होता है, बिकॉज मेरे कंडीशन में ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप बोट रॉकर्स 330 ANC के यूजर मैनुअल में देखेंगे तो यहाँ पे रीसेट डिवाइस के लिए जो है ना प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन साइमल्टेनियसली फॉर 5 सेकंड मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर आपको अपने नेकबैंड से वॉइस असिस्टेंट इनेबल करना है तो जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको आपको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा एंड वॉइस असिस्टेंट आप इनेबल कर पाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इस नेकबैंड में क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड इनेबल करना चाहते हैं तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको आपको डबल प्रेस करना है एंड आप क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड को इनेबल कर पाएंगे। अगर आप अपने ईयरफोन को अपने कान में लगा के रखे हैं ना तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा। अगर आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड को डिसेबल करना है या ऑफ करना है तो फिर से आप इस मल्टी फंक्शन बटन को डबल टैप करेंगे एंड आप क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड को डिसेबल कर पाएंगे या ऑफ कर पाएंगे। क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड इनेबल करने पे बैटरी लाइफ जो है वो आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस नेकबैंड के साउंड क्वालिटी का तो अगर आप नॉर्मल मोड में यूज कर रहे हैं ना तो बेस जो है इसमें काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रेबल और वोकल्स नॉर्मल मोड में आपको थोड़ा कम लगेगा बट बेस का जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम है, बिल्कुल भी कान में चुभता नहीं है। एंड अगर आप साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं मतलब कि बेस के साथ आप थोड़ा सा ट्रेबल भी ऐड करना चाहते हैं और वोकल्स का क्लैरिटी जो है वो आप इंप्रूव करना चाहते हैं ना तो आपको जस्ट इस मल्टी फंक्शन बटन को डबल प्रेस करना है, क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड को आपको इनेबल कर लेना है एंड उसके बाद जो वोकल्स है वो काफी क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा ट्रेबल भी ऐड हो जाता है और काफी अच्छा बेस भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अगर आप मूवी देख रहे हैं तो, और नॉर्मली अगर आपको हैवी बेस साउंड पसंद है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं ना तो डेफिनेटली आप नॉर्मल मोड में भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छा बैटरी लाइफ भी मिलेगा और अच्छा बेस भी मिलेगा। बोट रॉकर्स 330 ANC के साथ आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है अप टू 25 डेसिबल तक। उसको अगर आपको इनेबल करना है तो यहां पे आपको ANC के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है, जस्ट इसके ऊपर आप सिंगल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का LED जो है वो ग्लो करने लगेगा और आपका ANC जो है वो इनेबल हो जाएगा। एक वॉइस प्रॉम्प्ट आपको ईयरफोन पे सुनाई भी दे देगा। इसके बाद अगर आप इसको फिर से प्रेस करते हैं तो एक एम्बियंस मोड जो है वो इनेबल हो जाता है, मतलब कि अगर आपको एक्सटर्नल नॉइज सुनना है या बाहर का आवाज सुनना है ईयरफोन को अपने कान में लगाए हुए तो आप एम्बियंस मोड इनेबल कर सकते हैं। और फिर से अगर आप इस ANC को टैप करते हैं तो आपका ANC जो है वो डिसेबल हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको 3 मोड देखने के लिए मिलता है। ये नॉर्मल मोड है जिसमें LED लाइट ऑफ है, फिर आप टैप करते हैं तो आपका ANC जो है वो इनेबल हो जाता है और आपको वॉइस प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा। फिर आप टैप करेंगे तो आपको एम्बियंट मोड का एक वॉइस प्रॉम्प्ट आपके ईयरफोन में सुनाई देगा और आपका एम्बियंस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 मोड है यहाँ पे टोटल एंड इस नेकबैंड में आप एक साथ जो है ना ANC मोड को भी इनेबल रख सकते हैं और जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड है उसको भी इनेबल रख सकते हैं। बट जब भी आप अपने नेकबैंड को पावर ऑफ करते हैं और उसके बाद जब आप वापस से उसको पावर ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम पावर ऑफ कर दिए, पावर ऑफ करने के बाद अगर हम वापस से इसको पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने पे जो है ना ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड या पावर सेवर मोड में ही इनेबल होता है, मतलब कि ANC भी ऑफ रहेगा और एंड क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड जो है वो भी ऑफ रहेगा। वापस से आपको उसको ऑन करना पड़ेगा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस नेकबैंड में डुअल पेयरिंग का फीचर मिल जाता है, मतलब आप एक साथ इसको जो है ना अपने किसी भी 2 डिवाइस के साथ कनेक्टेड रख सकते हैं, चाहे वो 2 स्मार्टफोन हो या कोई भी 2 अदर डिवाइस हो। और डुअल पेयरिंग करने के लिए आपको यहाँ पे नेकबैंड में किसी भी बटन को प्रेस करने का जरूरत नहीं है, सिंपली जो भी फर्स्ट डिवाइस कनेक्टेड है ना उसके ब्लूटूथ को आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि वापस से ये जो नेकबैंड है ना पेयरिंग मोड में चला गया, मतलब रेड एंड ब्लू लाइट जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम अपने दूसरे स्मार्टफोन में ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉकर्स 330 ANC शो कर रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा नेकबैंड है ना ये मेरे दूसरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है।
अब जो मेरा पहला स्मार्टफोन था, जैसे इसमें हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये जो मेरा पहला स्मार्टफोन है इसमें भी रॉकर्स 330 ANC जो है ना कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है तो जस्ट यहाँ पे आपको रॉकर्स 330 ANC जो कि पेयर डिवाइसेस में शो कर रहा है इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड आप देखेंगे कि ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है एंड यहाँ पे भी कनेक्टेड है, मतलब कि मेरे दोनों डिवाइस के साथ ये साइमल्टेनियसली कनेक्टेड रह सकता है। यही डुअल पेयरिंग का इसमें आपको फीचर मिलता है, कोई स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, ये एक साथ आपके दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। एंड जब आप इस नेकबैंड के साथ डुअल पेयरिंग का फीचर यूज कर रहे होंगे उस समय अगर आप किसी भी फोन पे म्यूजिक या कोई भी ऑडियो प्ले करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम वीडियो प्ले कर रहे हैं ना, तो जिस भी डिवाइस में हम फर्स्ट टाइम प्ले करना शुरू किए हैं उसका साउंड आउटपुट मेरे रॉकर्स 330 ANC पे प्ले होगा। अब इसी समय अगर हम अपने दूसरे वाले फोन पे जो है ना यहाँ पे अगर हम म्यूजिक को प्ले करते हैं तो म्यूजिक को प्ले करते ही मेरे पहले स्मार्टफोन में जो वीडियो चल रहा था वो पॉज हो गया और यहाँ पे दूसरे स्मार्टफोन का जो साउंड आउटपुट है वो मेरे नेकबैंड के थ्रू आने लगा। अब यहाँ पे अगर हम इस वीडियो को प्ले करना शुरू करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो गया और ये वीडियो का आउटपुट जो है, ये वीडियो के साउंड आउटपुट जो है मेरे नेकबैंड के थ्रू आने लगा। बट अगर आप डुअल पेयरिंग का फीचर यूज कर रहे हैं और उस समय अगर आप अपने किसी भी एक डिवाइस पे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और आपके दूसरे डिवाइस पे अगर कोई कॉल आता है ना, तो आपका जो रिंगटोन है वो आपके नेकबैंड पे भी प्ले होगा और आप अपने नेकबैंड से ही जो है ना सिंगल टैप करेंगे मल्टीफंक्शन बटन को, आप कॉल रिसीव कर पाएंगे और नेकबैंड के थ्रू ही आंसर कर पाएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूजिक है ये प्ले हो रहा है बट इसका साउंड आउटपुट कहीं से भी नहीं आ रहा है और जैसे ही आप इस कॉल को कट करते हैं ना, वापस से जो आपका पहले फोन पे म्यूजिक प्ले हो रहा था उसका साउंड आउटपुट आपके बोट रॉकर्स पे आने लगता है। तो इस तरीके से डुअल पेयरिंग का फीचर जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इस नेकबैंड में कोई भी डेडिकेटेड लो लेटेंसी मोड या गेमिंग मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। बावजूद इसके जो इसका लेटेंसी है ना वो इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले अदर नेकबैंड से या अदर ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन से हमको काफी बेटर लगा। बट फिर भी अगर आप प्रो या कॉम्पिटेटिव गेमिंग करते हैं तो आपको एक वायर्ड ईयरफोन ही प्रेफर करना चाहिए। कैजुअल गेमिंग में आपको इस नेकबैंड के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेटेंसी जो है वो काफी इसमें कम देखने के लिए मिलता है। 1800 के प्राइस पॉइंट पे इस नेकबैंड में मेजर हमको तीन कमी लगा, जिसमें पहला जो कमी है वो हो सकता है कि मेरे यूनिट का इशू हो, मेरा रीसेट फंक्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन को 5 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करने पे नेकबैंड जो है वो रीसेट हो जाना चाहिए बट मेरा नेकबैंड रीसेट नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा जो कमी है वो इसका चार्जिंग टाइम है। इस प्राइस पॉइंट पे हम OnePlus Bullet Wireless Z2 जो है वो यूज किए हुए हैं और उसमें अराउंड 25-30 मिनट में वो फुल चार्ज हो जाता है और इसको चार्ज करने में अराउंड आपको 1.5 घंटे का समय लगता है, तो चार्जिंग टाइम जो है वो इसका काफी ज्यादा है। और तीसरा जो फीचर है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मिलना चाहिए था वो है मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फंक्शन, जो कि बहुत ही हैंडी रहता है बट वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा इसका ये जो ईयर प्लग्स है ना, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपका कान का साइज छोटा है ना तो ये आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये आपके कान से निकल जाएगा। मेरे कान का साइज भी थोड़ा छोटा है तो ये मेरे कान से काफी बाहर रहता है, हमेशा लगता है कि ये बाहर निकल जाएगा। बट इसका ईयर ग्रिप अच्छा है, कान से ये इजीली नहीं निकलता है, नॉर्मल वर्कआउट एक्टिविटीज के लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था बोट रॉकर्स 330 ANC। 1800 रुपीज के अराउंड ये नॉर्मली अमेजोन पे मिलता है, सेल में आपको अराउंड 1500 भी ये मिल जाएगा। अगर आपको लेना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बोट रॉकर्स 330 ANC के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।